वर्तमान में सोशल मीडिया सूचना प्रसारित करने का सबसे तेज माध्यम है, लेकिन इसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन नागौर जिले के कुचामन सिटी के युवाओं की ओर से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप अपना समाज 2018 कुचामन नावा एक मिसाल बनकर सामने आया है। ग्रुप में इन दिनों गर्मी को देखते हुए पक्षियों के पानी और दाना की व्यवस्था को लेकर अभियान सेल्फी विद परिंदा चलाया है। पेश है अपना समाज 2018 कुचामन नावा नाम से एक ग्रुप बनाया गया था। इसके बाद से ही यह ग्रुप सामाजिक सरोकार निभा रहा है। वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रुप के सदस्य की ओर से सेल्फी विद परिंदा नाम से एक अभियान के तहत पक्षियों के लिए परिंदा लगाकर एक सेल्फी सोशल मीडिया ग्रुप में भेजना होता है। इस अभियान के तहत अब तक सर्व समाज के 1400 से अधिक लोगों ने परिंदे लगाकर ग्रुप एडमिन को सेल्फी भेजी है। 7 दिवसीय इस अभियान में युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने उत्साह पूर्वक परिंदे लगा रहे हैं। ग्रुप ने बताया कि अभियान से लोगों में पक्षी प्राणियों के प्रति जागरूकता देखने को मिली है। अपना समाज 2018 सोशल मीडिया ग्रुप 2018 में बनाया गया और इस ग्रुप में 428 सदस्य अभी जुड़े हुए हैं और इस ग्रुप के माध्यम से कई सामाजिक सरोकार के कार्य मानव कल्याण हित में किए गए हैं, जैसे आग जलने से परिवार की मदद, समाज के निर्धन परिवार की मदद, समाज के कई गरीब बच्चों की आर्थिक रूप से मदद, बच्चों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार और रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण हित में भी इस ग्रुप से हर वर्ष मुहिम चलाई जाती है। अभी वर्तमान में चल रही मुहिम सेल्फी विद माई परिंदा, परिंदा लगाओ पक्षी बचाओ अभियान के तहत सैकड़ों की तादाद में परिंदे लगाए जा चुके हैं। 2018 से जैसे सामाजिक सरोकार के लिए जैसे कोरोना काल में राशन वितरित किए गए थे, जैसे कि रक्तदान शिविर लगाया गया था, कन्याओं के लिए जैसे शादी की व्यवस्था करवाई गई थी, जैसे आगजनी में सहायता की गई थी, ऐसे सामाजिक सरोकार के लिए हमने बहुत कार्य कर चुके हैं जो कई 2018 से लगातार निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी इससे आशा करते हैं आगे भी सबका सहयोग मिले। अपना समाज ग्रुप पहले भी कई सामाजिक कार्यों को सोशल मीडिया के जरिए अंजाम दे चुका है, जिनमें जरूरतमंद परिवारों की ग्रुप के सदस्यों की ओर से आर्थिक सहायता देना, सर्दियों में कुचामन शहर के पुराने बस स्टैंड पर नेकी की दीवार लगाकर जरूरतमंदों को कपड़े उपलब्ध कराना, कोरोना काल में लोगों को राशन किट उपलब्ध कराना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पुत्रियों का विवाह कराना जैसे कार्य संपन्न किए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सामाजिक सरोकार निभाने को क्षेत्र में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी तारीफ न सिर्फ क्षेत्र के निवासी बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग काफ़ी देखा जा रहा है, लेकिन अपना समाज जो एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा है जिन्होंने 2018 से लेकर अभी तक जैसे कि गरीब बच्चियों की शादियां करवाना, कोरोना काल में राशन के किट प्रोवाइड करवाए थे ज़रूरतमंद लोगों को, रक्तदान शिविर है उसकी भी व्यवस्था वो करता है, उसके अलावा जो अभी नया चल रहा है कि सेल्फी विद परिंदा, तो जो बेजुबान पशु पक्षी है, जो पक्षी है उनके लिए जो परिंदे लगाना लगा के उनको जो पानी दिया जाता है और सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है अपने कुचामन में। बहुत सारे अच्छे काम हैं जो वो निरंतर कर रहे हैं लगातार, जैसे किसी को मदद की ज़रूरत होती है या इस तरह की कोई बात होती है तो ये ग्रुप जो है वो इसके सभी जो सदस्य हैं वो आगे बढ़ के सहयोग की भावना से काम करते हैं। और वर्तमान में जो ये सेल्फी विद परिंदा जो लगाया है, अभियान चलाया है एक मिशन मोड पे, तो उसमें जो बेजुबान पक्षियों के लिए और इस भीषण गर्मी में और अत्यधिक तापमान में जो उनको असुविधा होती है उसके लिए अगर इन्होंने सोचा है और सोच के इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म ने सामाजिक उत्थान की दिशा में एक मिसाल पेश की है। नागौर से दूरदर्शन समाचार के लिए शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट।